PCS IR के ज़ेर-ए-एहतमाम बायोटेक्नोलॉजी के मौजू पर दो रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से रिसर्च स्कॉलर्स ने शिरकत की। इस मौके पर PCS IR के चेयरमैन शहजाद आलम का कहना था कि बायोटेक्नोलॉजी समेत दीगर शोबों में हमारे साइंसदान भारत समेत किसी भी मुल्क से पीछे नहीं हैं। बायोटेक्नोलॉजी के मौजू पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मौके पर PCSI के चेयरमैन शहजाद आलम का कहना था कि पाकिस्तान ने बायोटेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत मेहनत की और अपना मकाम बनाया है। ज़राअत, DNA समेत दीगर शोबों में हमारी रिसर्च को दुनिया ने तस्लीम किया है, इसलिए हम टेक्नोलॉजी के मैदान में किसी से पीछे नहीं। हम किसी से कम नहीं है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हमारे लोग जो हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, मैं समझता हूं कि इस पूरे रीजन में उनका एक नुमाया रोल है और वो किसी से कम नहीं है। इनका कहना था कि मुल्क में बायोटेक्नोलॉजी के अच्छे इदारे कायम हो चुके हैं, हमारे पास काबिल साइंसदानों समेत इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स की एक बड़ी खेप मौजूद है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मैं अपनी बात करूँगा, ये पाकिस्तान के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी की स्ट्रेंथ की मैं बात करता हूँ, हम लोग किसी से कम नहीं हैं। हमारे साइंटिस्ट, हमारी कंट्रीब्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड हैं और हमारे साइंटिस्ट की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बायोटेक्नोलॉजी जैसे अहम मौजू पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद मुल्क में बायोटेक्नोलॉजी के फरोग में अहम कदम है। कॉन्फ्रेंस का इनेकाद साबित करता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैदान में हम भी किसी से पीछे नहीं। कैमरामैन मेहरान अली के साथ इब्राहिम लकी, लाहौर रंग। Thank you.